एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सियासत के बड़े खिलाड़ी क्यों माने जाते हैं, ये उन्होंने पिछले दिनों अपने इस्तीफे से साबित कर दिया। उनके ही समर्थकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अंत में शरद पवार माने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की वापसी का ऐलान किया, लेकिन ये पूरा वाकया साबित करता है कि शरद पवार का कद ना सिर्फ एनसीपी महाराष्ट्र बल्कि देश की सियासत में कितना बड़ा है। रिपोर्ट देखिए। छलकती आंखें और झूमते कार्यकर्ता, शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले से लेकर फैसले की वापसी के ऐलान तक जो कुछ हुआ, उससे एक बार फिर यही साबित हुआ कि शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पद छोड़ने से पद पर बने रहने के ऐलान तक में जिस तरह से बारामती से विपक्ष तक त्राहिमाम मचा, उससे एक बार फिर समझ में आया कि महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का क्या कद है। नहीं नहीं, हमारे समर्थन का कोई सवाल नहीं, पवार साहब का निर्णय, पवार साहब का डिसीजन, हमारा डिसीजन। महाराष्ट्र छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में पवार साहब चाहिए हमको। जो भी उनका निर्णय होगा आप लोग मानेंगे उसको? जो भी उनका निर्णय मानना पड़ेगा ना, वो हमारे बड़े सरदार है। भारतीय राजनीति का ये वट वृक्ष 80 साल की उम्र में भी इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, ये समझने के लिए आपको इसकी जड़ों को टटोलना होगा, उनके गढ़ बारामती में जाना होगा। बारामती जैसे छोटे जिले में सिर्फ इस एक हाईटेक टेक्सटाइल पार्क में 3,500 लोगों को रोजगार मिल रहा है, यानी 3,500 परिवारों को सहारा, और इनमें 80% महिलाएं हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां का विकास मॉडल देखने आईं, और ये टेक्सटाइल पार्क तो सिर्फ एक नमूना है। पवार ने बारामती में खेती के क्षेत्र में जो काम किया है वो सीखने सिखाने लायक है। बात 1960 की है जब बारामती सूखे का सामना कर रहा था। कम बारिश वाले इस इलाके के किसान सूखे के आंसू ना रोएं, इसके लिए शरद पवार ने वहां एक कृषि संस्थान बनाया। आज आलम यह है कि न सिर्फ यहाँ के किसान कम पानी वाली खेती की तकनीक सीख चुके हैं बल्कि देश भर के किसानों को भी सिखा रहे हैं। कृषक एग्जीबिशन हम इस साल जनवरी में आयोजित किया था, 13 देशों से यहाँ पे उनके जो उद्योजक है, किसान है, यंग एंटरप्रेन्योर है, वो टेक्नोलॉजी समझने के लिए यहाँ आए थे। तो इस साल अराउंड 4 लाख फार्मर ने इस जनवरी में यहाँ पे विजिट करके अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी समझ के उसका अवेयरनेस लेके ट्रेनिंग लेके अभी हो गए। शरद पवार के बनाए कृषि विज्ञान ट्रस्ट के जरिए यहाँ के लोगों ने इजराइल और नीदरलैंड से जाकर खेती के आधुनिक तरीके सीखे
और बारामती के लोगों को सिखाया, जिसका फायदा ये हुआ कि किसानों की लागत कम और आमदनी ज्यादा हो गई। तो आप समझ सकते हैं क्यों बारामती में पवार परिवार बीते 55 साल से चुनाव नहीं हारा, क्यों खुद शरद पवार 6 बार जीते, 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे, सुप्रिया सुले 3 बार सांसद बनी और अजीत पवार 6 बार विधायक। लेकिन पवार की पर्सनैलिटी का सिर्फ एक पहलू है बारामती। पवार उन कुछ नेताओं में हैं जिनकी तारीफ विपक्ष के नेताओं से लेकर उनके साथ काम कर चुके ब्यूरोक्रेट तक करते हैं। आज शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी, और उसका कारण करीब करीब 5 दशक से ज्यादा अखंड एक निष्ठ साधना। ही इज अ वेरी जेंडर सेंसिटिव पॉलिटिकल लीडर। ये मेरा एज ए यंग एसपी उनके बारे में विचार था कि उनको ये महिला अधिकारी है, ये ऐसा नहीं कर पाएगी। पहले एप्रिहेंशंस थी उनको जब उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट दिया, उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग होने लगी कि वो काम को अप्रिशिएट करते हैं और वो जेंडर के बारे में ही इज वेरी पॉजिटिव। मैं जलगांव सेक्स स्कैंडल का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसमें जो 3 मेन आरोपी थे उनमें से एक कांग्रेस का था। मुझसे उन्होंने इंटरैक्ट एक बार बहुत जो लंबा किया, फॉर अबाउट 20 मिनट्स उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे पता है तुम इसको बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, किसी भी पार्टी का आरोपी क्यों ना हो उसे छोड़ने का नहीं, तुम इन्वेस्टिगेशन गंभीरता से करो, जितने भी तुमको एविडेंस मिलते हैं, पुरावे मिलते हैं, उन्हें इकट्ठा करो, ये मत सोचना कि कौन सा आरोपी किस पॉलिटिकल पार्टी का है। इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनकी रीच अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके कहने में वजन है, जो वो कहेंगे लोग सुनेंगे। तो इस टाइम महाराष्ट्र में ऐसा मुझे तो कोई लीडर नहीं दिखता जिसे इतनी रिस्पेक्ट हो, इतना मान हो, और जिसके कहने को बाकी के जो राजनीतिक नेता हैं वो सुने, समझें और उनके कहने के अनुसार करें। शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते महाराष्ट्र में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उस जमाने में आज की तरह अफसरों पर अपना काम कराने के लिए दबाव नहीं बनाया जाता था। रिक्वेस्ट आती थी, अगर काम नियम में नहीं बैठता तो वो मना कर देते थे और दोबारा फिर फोन नहीं आता था। वो कहते हैं कि शरद पवार की प्रशासनिक क्षमता और ज्ञान अद्भुत है। शरद पवार ने अभी जो पद छोड़ने और बने रहने के ऐलान किए उसके पीछे भी बहुत से लोगों को लगता है कि ये उनकी सियासी सूझबूझ का ही उदाहरण है, क्योंकि ये सब तब हुआ जब अजीत पवार के बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही थी। तो अगर पार्टी के अंदर कोई किसी तरह की चुनौती बन रही थी तो शरद पवार ने अपनी तरफ से बिना किसी का कद छोटा किए दिखा दिया कि उनका कद आज भी पार्टी और विपक्ष में कितना बड़ा है। पद पर बने रहने के ऐलान के वक्त अजीत पवार क्यों मौजूद नहीं थे, ऐसे सवाल गहराए। इससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि अजीत पवार को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए एनडीटीवी से शरद पवार ने इस मसले पर क्या कहा। ये बस बिल्कुल होगी नहीं, नहीं कोई जाएगी नहीं, फॉर नो रीजन। ये अजीत पवार की बदनामी कुछ लोग कर रहे। 2024 के चुनाव से पहले शरद पवार के पद छोड़ने के ऐलान ने विपक्षी एकता के प्रयासों को भी झटका दिया था, लेकिन शरद पवार ने बताया कि दरअसल वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के अगले दिन से ही विपक्ष को एकजुट करने में जुटने वाले थे। पद पर बने रहने के बाद भी इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे। ऐसा कहकर शरद पवार ने विपक्षी नेताओं के मन में उठ रही आशंकाओं को भी दूर कर दिया। My own thinking was I will concentrate more for winning all
like-minded parties together. But now, because of my decision, some wrong signal has gone. And that's why, though my party workers insisted me to give second thought, equally, leaders from different political parties, other than BJP, they also insisted. And that's why I think it is my responsibility for larger interests of the nation to bring together all these like-minded forces and provide viable alternative to the people of India. And that I am going to do aggressively. Congress, Samajwadi Party se lekar RJD tak, na jane kitni partiyan hain jo virasat ke sawal par musibat mein phansi hain. ऐसे में शरद पवार का ये कहना कि अभी तो पद पर हूँ लेकिन जल्द ही एक प्लान लेकर आऊंगा कि आगे पार्टी कौन कौन संभालेगा, अपने आप में एक नजीर है. 2019 में बीजेपी के खेमे में जा चुके अजीत पवार को वापस लाना हो या फिर एमवीए जैसे अचंभे को अंजाम देना हो, पवार ने हमेशा चौंकाया है. परिवार, पार्टी, पब्लिक और पॉलिटिक्स को कैसे संभालना है, कैसे संभालना चाहिए, इसके लिए भी भविष्य में भारतीय राजनीति और राजनीतिक परिवार शरद पवार की ओर देखें तो ताज्जुब नहीं कीजिएगा. ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए. बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासत की. वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने की जब कोशिशें तेज हुई तो साजिश में बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल शामिल नहीं थे. गहलोत ने कहा कि ये एक नैतिक कदम है और ऐसी ही नैतिकता उन्होंने भी दिखाई थी जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार को गिराने में उनकी मदद मांगी गई थी. गहलोत ने कहा, मैं तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और बीमार मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत अमेरिका में अपना इलाज करा रहे थे. गहलोत के मुताबिक उन्होंने उस अनैतिक काम का साथ देने से इनकार कर दिया और वैसे ही मिसाल वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने पेश की. जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी की लोग सरकार गिरा रहे थे. मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार घेर सकती थी भैरव सिंह जी की. वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो. वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर. ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने. और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की. इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए. क्या गलत किया शोभा रानी ने, इतने बार सरकार बची है. उधर वसुंधरा राजे ने इसे अशोक गहलोत का षड्यंत्र बताया. उन्होंने कहा, मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया कोई नहीं कर सकता. वसुंधरा राजे का मानना है कि आगामी चुनाव में हार के डर से गहलोत झूठ बोल रहे हैं. विधायकों के अमित शाह के पैसे लौटाने वाले बयान पर भी वसुंधरा ने पलटवार किया. कहा, अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो FIR दर्ज करवाएं. तो उधर इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर गहलोत के आरोपों पर हमला किया. उन्होंने लिखा कि नंबर एक के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक. ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं. वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं.